हो तुम सारी आवाम के एक सहारा। बेटी मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि सच्चे वफादारी व ईमानदारी के साथ तुम अपना फर्ज निभाओगी। कृपाल सिंह इस नौजवान को ले जाओ हमारे चुनार के बॉर्डर पे, इसकी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। जा बेटी अपना ख्याल रखना। सच्चे सिंह क्योंकि समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, और रहम की भीख कभी देता है रहमान नहीं। और आज अपने किए की सजा बेचौंध तुम्हें तू पाएगा, और आज दुनिया से तेरा दाना पानी रोज जाएगा। लहना ये तो मैं भी जानता हूं कि समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। लेकिन लहना आज की डकैती आने का मकसद क्या है? देवा जी आने का मकसद सिर्फ तेरी जान है। नहीं लेना जान लेने से कुछ ना
तुझे मार कर ये पहला धब्बा साफ करूंगा। लहरा, आखिर इन बूढ़ी हड्डियों को तोड़कर तुझे क्या मिलेगा? जितने धन दौलत की जरूरत है तू ले सकता है लहरा। लगाओ निशाना, लगाओ निशाना, मार दो गोली, खत्म कर दो महाराज को। नंबर एक सरदार जी, क्या करने जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती नहीं, छोड़ दीजिए। जोड़ी कहे हाथ सरदार, मैं विनती करूं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। और बेटी रो रो नहीं आसके ये जारी छोड़ दीजिए। छोड़ूंगा मैं आपके हाथ। हार जाओ, हार जाओ चोरी। आज के लिए इतना काफी है। और हाँ राजकुमारी, हमने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है क्योंकि ये मेरा दुश्मन था। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लाओ पत्र मुझे दो। आज के लिए इतना काफी था, अगले दिन के लिए सोचना में ये पत्र है। महाराज का खून हो गया, ये कौन हरम चाचा ने मार डाला? महाराज का खून हो गया। ये सब हुआ कैसे? ये मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे खून हो गया। ना आपको मालूम ना मुझे मालूम, और नौकर चाकर कहां मर गए सबके सब? क्यों
कहाँ थे अभी तक? 12 नंबर। 12 नंबर क्या मतलब? 12 नंबर गेट हमारी ड्यूटी थी। अच्छा, किसने लगवाई थी ड्यूटी? महाराज जी। अरे कमबख्तो, अपने आली जान का कत्ल हो गया। गुलशन, ये सब कैसे हुआ? एक लहना नाम का डाकू आया, पिताजी को मारते और जाते जाते पत्र छोड़ के गया है। देखो इसमें क्या लिखा है। लहंगा नहीं, लहना। देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, आज महाराज सत्यजीत सिंह का कत्ल करके जा रहा हूं। ठीक आज के तीसरे दिन आऊंगा और मंत्री कृपाल सिंह तुझे जान से मार कर। ये सालब मेरी जान के पीछे पड़ गया। बहुत सही लिखा है। ये लहना सिंह कौन है? यही तो मुझे नहीं मालूम कि हराम ज्यादा लहना सिंह कौन पैदा हो गया। दिन दहाड़े आकर हुजूर का कत्ल किया और आपको जान से मारने के लिए धमकी भरा खत। बट यू डोंट वेरी, मैं इसी वक्त लहना सिंह की तलाश में जा रहा हूं। आप हुजूर की क्रियाक्रम का इंतजाम करें। ठीक है, और तुम चलो, तुम दोनों की ड्यूटी गेट नंबर 12 से खत्म। हाँ महाबली, आज के बाद तुम्हारी सख्त ड्यूटी शहजादी साहिबा के महल के चारों तरफ। और तुम चलो मिस्टर, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा कड़ा से कड़ा पहरा मंत्री हुजूर के दाएं बाएं। खबरदार, अगर ढील बरती गई तो। जाओ महाबली, राजकुमारी जी को राजभवन पहुंचा दो, ले जाओ। और बिहारीलाल, महाराज की लाश को उठाओ महाबली, ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन बिहारीलाल, मेरी समझ